शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हे भगवान, अभी तक नहीं आया विक्रम, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा मेरे बेटे को। अजी जाके देखो ना, जाओ ना। आ जाएगा, आ जाएगा। अरे वो देखो, आ रहा है, देखो। शाबाश, जाने दे। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ हाँ, विक्रम चला रहा है। न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, मार बेर। शाबाश दयानंद, तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है। आओ दयानंद, तुम भी सीख लो। आइए ना डैडी। अब्बा बोल, अब्बा, अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। हे भगवान, मेरा बेटा तो गया। चल उधर, चल चल। आ गया बेकारों का सरदार। ए दयानंद, देखा, एक दिन में सीख गया। अरे बेटा किसका है? अरे बेटा तो तुम्हारा है, लेकिन शागिर्द किसका है? चलाता हूँ, हाथ धो के आता हूँ। अम्मा, एक प्याली कॉफी पिलाओ। हुकुम तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नौकरानी हूँ। मैं नहीं बनाती कॉफी ऑफी। कुछ कहा? लक्ष्मी, बना दो ना कॉफी। मोटरसाइकिल सिखाने का भाड़ा समझ के पिला दो। अजी, मोटरसाइकिल से गिर के टांग वांग टूट गई होती तो? इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अकल वकल है कि नहीं? बर्तन को मुंह लगा के कॉफी पीता है, ऊपर से पियो, बर्तन तो झूठा मत करो। कॉफी तो ऐसे पीता है जैसे पूरा बर्तन खा जाएगा। नहीं खाऊंगा, या ऐसे पीऊंगा। बना दो ना। मेरा बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, बस। चाय पीते पीते जिंदगी गुजरी, अब अम्मा की कॉफी का चस्का लग गया। लगता है 8-10 कप पिए बगैर दिन नहीं गुजरेगा। ऐसा मत करना बाबा, एक तो नौकरी से निकाला गया हूँ, अब घर से भी निकाला जाऊंगा। तो अम्मा कॉफी ला रही है प्यार से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बोलो शुक्रिया। मुस्तफा, कॉफी। शुक्रिया मुस्तफा। मुस्तफा गरम है। हाँ, अम्मा का हाथ लगाया तो गर्म ही होगी। मुस्तफा वो स्पेशल है। क्यों, शक्कर की जगह नमक डाला है? विक्रम बोला ना। ये लो उस्ताद। अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मुंह लगाऊं, और बचपन से मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि छूत अछूत क्या होती है। फुटपाथ थी, बेरहम भूख थी, बेरहम जिंदगी थी। चलो, अम्मा भी खुश, हम भी खुश। विक्रम, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ उस्ताद। स्ट्रॉ, कितनी छोटी चीज है लेकिन कमाल की है। छूत अछूत का झगड़ा ही खत्म कर दिया। आदमी अगर फसाद न करना चाहे तो कोई वजह ही नहीं फसाद होने की। विक्रम इधर आओ। दयानंद, ये तुम्हारा विक्रम हमेशा विक्रम ही रहेगा, क्यों कोई इसे अक्रम बनाए? और एक काला धागा मैंने इसे बड़े यकीन के साथ बांधा है ताकि इसके अधूरे सपने पूरे हो जाएं और इसको किसी की नजर ना लगे। माफ करना, हम अंदर आ सकते हैं? मगर आप लोग हैं कौन? ओ, बाय इलेक्शन हो रहा है ना, हम लोग वोटर लिस्ट चेक करने आए, गवर्नमेंट के आदमी हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, आइए। मिस्टर दीक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पे पढ़ लिया होगा। जी। मैं उनकी पत्नी हूँ भाग्यलक्ष्मी, ये हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है घर में? बस हम इतने ही हैं। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बाप बेटे बाजार गए हैं। आप लोग कुछ चाय वाय लेंगे? भाई लेने तो आए हैं, बच्चे लोग। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, छोड़ो मेरी बच्ची को, आगे तू छोड़ दे, छोड़ मेरी बच्ची को, छोड़।
अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा। क्यों बहुत जल्दी में हो भाई लोग? अम्मा एक नाम बताना भूल गई, मैं भी इसी कुनबे का हूं, इसी फैमिली का हूं, मुस्तफा। जा मुन्नी, जा अम्मा, इसे अंदर ले जा, इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूं। चल। साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। क्या? शादी का नहीं, एक रात का जिस्म का सौदा। ईश्वर, माफ कर अम्मा, यह बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी। अम्मा वो भेड़िया मुन्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा, ताकि इस घर की आबरू बरकरार रहे। तुम्हारी और बिपिन की बातें मैंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा। तो फिर मुझसे क्यों छुपाई? हमने भी एक बात छुपाई थी मामा। इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डैडी की जमानत भी करवाई थी। मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई जरूरत नहीं, मामूली घाव है अम्मा। मुझे माफ कर दो मुस्तफा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इज्जत बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे। अम्मा, तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी। इन जख्मों से तो बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इस परिवार से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नया। चल बेटा। तुम क्यों रो रही हो? हाँ? चलो रो लो,
क्योंकि आज के बाद इस घर में कोई रोएगा नहीं। ले तेरा भी नमक है, तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी। भैया ये बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस महीने की 20 तारीख बहुत मुबारक है, उस दिन शादी हो जाए तो। देखो मैं अरुण का बाप हूं, इसकी शादी कब कैसे और कहां करनी है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लड़के के बाप हैं तो मैं लड़के का भाई हूं, ये भूलिए मत। मुस्तफा और भाई, क्यों आपका एतराज है? मुस्तफा भाई, मैं शादी करने के लिए तैयार। इस बाई इलेक्शन की अहमियत को आप समझिए, अगर हम ये इलेक्शन हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी, पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन वाले तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप भी रुपए की फिक्र मत कीजिए, ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं मैं, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस इलेक्शन को जीतिए। आप फिक्र मत कीजिए, एक आदमी है जो ये अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा सकता है, बुलेट का जवाब वो बारूद से दे सकता है, वो है मुस्तफा। खेलिए खेलिए, आप भी खेलिए। हाँ फिर खेलूंगा। ये हमारे, ये ले। नहीं 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 गई नहीं गई नहीं गई, मैं खेलता हूँ, मैं क्वीन लूँ, क्वीन लूँ, मैं देखता हूँ। खेल, बैठ, तू खेल, तू खेल। अबे ना ये वाला, ये तो अभी ले लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालूम था आप जरूर आएंगे, थोड़ी देर हो गई, आइए। अम्मा ये है अब्बा, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब्बा ये है मेरा नया परिवार। नमस्ते। कुछ अकेले में बात करनी है। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अम्मा अब्बा मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए अब्बा। मुस्तफा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को ये बाई इलेक्शन जिताना है। इतना तो मैं समझता हूँ अब्बा। तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है? मुस्तफा मैं तेरे सिवा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। इस दंगे फसाद में मेरी जान भी जा सकती है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा अपने अब्बा से सौदेबाजी करेगा? अब्बा से नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने ही कहा था इस धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं। तू नहीं मांगता तो भी मिल जाता। बोल क्या चाहिए? दीक्षित की नौकरी, बच्चे के लिए एडमिशन, बच्चे की शादी के लिए पैसे, इस परिवार की हिफाजत, बस और कुछ नहीं। बड़ा जज्बाती हो गए मुस्तफा, जब से देख रहा हूं परिवार की बात कर रहा है। मिल जाएगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद। अब्बा का हर लफ्ज़ आंखों पर, काम हो गया समझो, चाहे मुस्तफा की जान क्यों नहीं ली जाए। अरे मरे तेरे दुश्मन। सरकार अब्बा को पैसे दे रही है, ऑपोजिशन हमें पैसे खिला रही है, अपनी तो पांचों उंगलियां घी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा, क्योंकि अब्बा का कमांडर गुलाम ए मुस्तफा है। अपोजिशन की हार या जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे मेरे बेटे के खून का बदला लेना है। इस इलेक्शन के धांधली में मुस्तफा को खत्म करना है, मेरा एक ही मकसद है, मेरे बेटे के माथे पर गुलाम ए मुस्तफा के खून का टीका लगाना। मुन्नी ये तुम्हारी चूड़ी है जो अम्मा ने गिरवी रखी थी। और ये कुछ यादें हैं, अपनी शादी में जरूर पहन लेना। जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी भैया। मुझे भी ऐसी इंजीनियरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद। मुस्तफा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुस्तफा जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो, दोबारा हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे। तेरा शुक्र है खुदा, मैं तो लावारिस था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी। कोई तो है मेरे जनाजे को कंधा देने वाला। जी, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा,
अम्मा अल्लाह ने मुझे मेरे लिए आंसू बहाने वाला घर दिया है। हर पल मैं इसे खुश देखना चाहता हूं। मुझे तो जाना ही होगा। जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है। दयानंद, ये वादा है, तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। विक्रम, तुम्हारी एडमिशन पक्की समझो। दिल लगा के पढ़ाई करना, मुन्नी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। बोलो मालकिन, मालकिन। मुस्तफा, शुक्रिया। मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई? कभी तो अपने दिमाग से काम कर सुदामा। हमेशा मुझे क्या करना है मुस्तफा भाई? इस घर को तुम्हारी जरूरत है। इस घर की हिफाजत और शादी का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी। मुस्तफा भाई, मुझे आंधी आने की आहट सुनाई दे रही है। आंधी नहीं आएगी सुदामा। हाँ, थोड़ी हवा जरूर तेज होगी, कुछ धूल उड़ेगी, कुछ सूखे पत्ते गिरेंगे, बिखरेंगे इधर उधर, पर जो पेड़ मजबूत है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत उस हवा के झोंके में नहीं होगी। फिर मत करो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सलाम मुस्तफा। सलाम अलैकुम मुस्तफा भाई। हाँ बोल। मुस्तफा भाई, अपोजिशन वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं कि राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो। वापस जाओ, दोबारा उसी पब्लिक को धमका उकसा, बोलो राम प्रसाद चौधरी को ही वोट दो, नहीं तो काट डालेंगे। पर मुस्तफा भाई, अपना कैंडिडेट तो डॉक्टर सुरेश अधिकारी है। जो बोला है वो करना। चलो भाई लोग।